नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, सी टेट को लेकर आज शाम की बहुत बड़ी अपडेट आप सबके लिए निकल के आ रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में सी टेट की नोटिफिकेशन आपकी बात करने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। साथ में दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, आपको जो नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा है छात्रों के लिए गुड न्यूज़ है। अभी थोड़ी देर पहले ही दोस्तों आई है हिंदुस्तान टाइम्स का, आप सब ने नाम सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स उसकी तरफ से अपडेट आया है दोस्तों कि आपकी जो है नोटिफिकेशन दोस्तों, सी टेट का जो नोटिफिकेशन है वो अब 10 मई को जारी होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, 10 मई से 15 मई के आसपास आपका जो नोटिफिकेशन जारी होगा। 10 मई को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है वो चल रही है। एबीपी न्यूज़ ने भी दोस्तों अपडेट किया है कि आपका जो है नोटिफिकेशन है सी टेट का, वो सीबीएसई बोर्ड द्वारा जारी कर दी जाएगा 10 मई से। इसके बाद दोस्तों आपके रजिस्ट्रेशन चलने वाले हैं, इसके बाद आपके ऑनलाइन आवेदन होंगे। तो दोस्तों, आप सबके लिए गुड न्यूज़ है। मैंने सोचा तुरंत आपको अपडेट करूँ कि आपका जो है सी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन या नोटिफिकेशन की बात करूँ तो 10 मई से दोस्तों स्टार्ट होने वाले हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आगे भी आपको सी टेट की अपडेट मिलती रहेंगी। इसी के साथ सी टेट में आपको पहली बार दोस्तों पेपर थर्ड को शामिल किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी तक सिर्फ पेपर फर्स्ट और सेकेंड होते थे, लेकिन अब दोस्तों अब इसमें पेपर जो है थर्ड भी इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें कि आप 9 से 12 तक के स्टूडेंट को पढ़ाने के योग्य माने जाओगे दोस्तों। ये सी टेट में बहुत बड़ा बदलाव है, वो पहली बार सीबीएसई बोर्ड द्वारा किया गया है। नई शिक्षा नीति के अनुसार ये बदलाव है दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, यहाँ पर अगर एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो एग्ज़ाम डेट दोस्तों आपकी जो रहने वाली है वो दोस्तों आपकी लास्ट में आपकी एग्ज़ाम होगी, क्योंकि जो सीट 20 थी दोस्तों उसकी परीक्षा वो 31 जनवरी को कराई गई थी, क्योंकि कोरोना है वो काफ़ी ज़्यादा है दोस्तों, हो गया था उस टाइम पर कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तब। अब दोस्तों सेकंड वेव यानी कि दूसरी लहर में भी दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे जो है राज्यों में कर्फ्यू लगा, आपको पता होगा। सी टेट की जो एग्ज़ाम होती है दोस्तों 135 से ज़्यादा शहरों में आयोजित कराई जाती है, पूरे भारतवर्ष की 135 से ज़्यादा शहरों में एग्ज़ाम होती है। तो इस वजह से दोस्तों आपकी जो एग्ज़ाम है दोस्तों, अब हालांकि अब सेकंड वेव पर थोड़ा बहुत काबू हो गया है, अब कोरोना के केसेस भी इतने नहीं आ रहे हैं, ये आपकी दोस्तों ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस रहने वाली है। नोटिफिकेशन आपका 10 मई को आने वाला है दोस्तों, बड़ी बेसब्री से सभी स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं। तकरीबन फॉर्म की बात करूं तो तकरीबन दोस्तों आपके 30 लाख रजिस्ट्रेशन है वो इस पर किए जाएंगे। लास्ट बार भी 30 लाख किए गए थे और 22 लाख स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी थी, तो इस बार दोस्तों आपके कम से कम 25 लाख स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि इस बार पेपर थर्ड को भी शामिल किया गया है, सीनियरी सेकेंडरी, तो उसको भी आप पढ़ाने के योग्य माने जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कंपटीशन भी हार्ड होने वाला है, आप अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों। भले ही आपका जो है लॉकडाउन है, लेकिन दोस्तों आपकी एग्ज़ाम है वो समय पर आयोजित होगी, आपको ज़्यादा पढ़ने के लिए समय नहीं मिलेगा, क्योंकि दोस्तों आपकी जो परीक्षा है वो आपकी अब अक्टूबर और नवंबर में आयोजित होगी। तो अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों। सी टेट की सही प्रकार की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर देना चाहिए। हिंद, वंदे मातरम।